इसराइल हमास युद्ध के बीच वेस्ट बैंक, जेनिन और यरूशलम में इसराइल के बदले रुख को लेकर तुर्की ने हालिया दिनों में नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की ने इसराइल को धमकी दी थी कि अगर उसने अल अक्सा मस्जिद की यथास्थिति बदलने की कोशिश की तो इसके नतीजे बेहद ही भयावह होंगे। इसके अलावा तुर्की ने वेस्ट बैंक में इसराइली सेना के सैन्य ऑपरेशन की भी कड़ी आलोचना की है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की एयर डिफेंस के मामले में इसराइल की बराबरी करने की होड़ में लगा हुआ है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कहा है कि तुर्की स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। एर्दोगन ने आगे कहा कि उम्मीद है कि हम सभी घटकों के साथ पूरा करेंगे। उनके यानी कि इसराइल के पास आयरन डोम है तो हमारे पास स्टील डोम होगा। स्टील डोम हमारी सुरक्षा परतों को सुनिश्चित करेगा और सभी सेंसर और हथियार एक साथ एकीकृत होकर काम करेगा। एर्दोगन ने तुर्की को ड्रोन प्रोजेक्ट में मिल रही सफलता को लेकर कहा है कि ड्रोन बनाने में जो बढ़त हमने हासिल की है उसे ना सिर्फ दुश्मन ने देखा है बल्कि हमारे दोस्तों और भाईचारे वाले राष्ट्रों और पूरी दुनिया ने देखा है। आपको बता दें कि एर्दोगन ने अपने इसी बयान में तुर्की के अलगाववादियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि क्लॉलोक ऑपरेशन 2022 में लॉन्च किया गया था जो उत्तरी इराक में छिपे चरमपंथियों का सफाया करने के लिए चलाया गया। हम सुनिश्चित करेंगे कि अलगाववादी हमारे देश और हमारे इराकी भाइयों के लिए खतरा ना बने। लेकिन कुछ सहयोगी तुर्की का समर्थन करने के बजाय पीकेके अलगाववादियों के लिए सीरिया विस्तार में समर्थन और आतंकी संगठनों के स्वागत की खातिर रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। हम पूरी तरह से अपनी ही ताकत और योग्यताओं पर निर्भर हैं। आपको बता दें कि तुर्की ने ड्रोन बनाने के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी TAI ने कहा है कि ANKA-3 ड्रोन ने गोला बारूद के साथ अपनी पहली सफलतम उड़ान भरी। ANKA-3 हमारी ताकत और तुर्की को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने की राह में एक बड़ी उपलब्धि है। हमें एक के बाद एक प्राप्त सफलताओं से उत्साह और गर्व महसूस होता है। हमारा रक्षा उद्योग तेजी से हमारी घरेलू और राष्ट्रीय तकनीकी के साथ भविष्य में बढ़ रहा है। आपको बता दें कि तुर्की के ड्रोन ANKA-3 UCAV ने पिछले साल दिसंबर में अपनी पहली उड़ान पूरी की थी। लेकिन इसकी बड़ी खासियत ये है कि यह ड्रोन 40,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पर 10 घंटे तक बना रह सकता है। यह 30,000 फीट पर 250 KTS उड़ान भरता है और इसकी अधिकतम स्पीड 425 KTS तक जाती है। यह ड्रोन 6,500 किलो तक का विस्फोटक या पेलोड ले जा सकता है। वास्तविकता में इसकी लोड क्षमता 1200 किलोग्राम है। ये कई तरह का पेलोड ले जाने में काबिल है।